वाराणसी के अखिलेश ने किया प्रेम विवाह, विदेशी लड़की से रचाई शादी। देश में भी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी का मामला थमा ही नहीं था कि वहीं ऐसा ही एक मामला जौनपुर से सामने आया। वाराणसी के एक युवक ने त्रिलोचन महादेव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ इटली की युवती से शादी रचा ली। इटालियन बहू को पाकर युवक के परिजन के साथ ही गाँव के लोग भी बेहद खुश नजर आए। वाराणसी के फूलपुर करखियाव गांव के रहने वाले अखिलेश विश्वकर्मा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके 2016 में कतर चला गया था। वहां पर वो कतर एयरवेज में कैबिन क्रू की नौकरी कर रहा था। इस बीच इटली की एक युवती से प्रेम हुआ, पर उसके बाद दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। तानिया और अखिलेश पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। नजदीकियां बढ़ने पर दोस्तों की मौजूदगी में जॉर्जिया में दोनों ने शादी रचा ली। अखिलेश जब पहली बार तानिया से मिला था तो वे एक विद्यालय में इंग्लिश की टीचर थी। जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर में 19 अगस्त को दोनों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान कथित तौर पर दोनों ने मंदिर परिसर के धर्मशाला में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी रचाई, लेकिन इससे पहले दोनों जॉर्जिया में मार्च 2023 में कोर्ट मैरिज कर चुके थे। शादी के बाद तानिया भारत घूमना चाहती थी, जिसके बाद अखिलेश अपनी इटालियन पत्नी तानिया का वीजा बनवाकर उसे भारत घुमाने ले आया। तानिया को भारत की संस्कृति, रहन सहन बेहद पसंद आया। अखिलेश के मुताबिक तानिया भारत की नागरिकता चाहती है और 2 साल बाद तानिया का OCI कार्ड बन जाएगा, जिसके बाद तानिया को वोट देने के अलावा सभी अधिकार मिल सकेंगे। त्रिलोचन महादेव मंदिर के प्रधान पुजारी सोनू गिरी ने बताया कि दोनों लोग मंदिर परिसर में आए थे, लेकिन यहाँ किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मंदिर में प्रतिदिन ऐसे तमाम दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ जो शादियाँ होती हैं, उनका पंजीकरण होता है।